अरे वही मोदी जी योगी जी सब एक ही चट्टे बट्टे हैं सब। अच्छा आप वोट देंगे अखिलेश को लेकर? लग रहा है आएंगे योगी जी। जी भाई नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन मिनट में। हम आपके अपने खास कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे 2022 में क्या है यूपी की ख्वाहिश। इस खास कार्यक्रम में आज हम सियासत की राजधानी लखनऊ में मौजूद है। यहाँ पे हम कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, आर उनसे हम जानेंगे कि क्या है उनके मन की हाल। भैया आपको कैसा लग रहा है इस बार, किस कौन से चुनाव जीतेंगे? समाजवादी पार्टी जीतेगी। क्यों समाजवादी पार्टी जीतेगी? भैया कोई काम ही नहीं हुआ है। क्या कोई काम ही नहीं हुआ योगी की सरकार में? योगी जी तो कहते हैं हमने 4.5 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, फिर भी फालतू चाय पी रहे खड़े हो गए। रोजगार होता तो यहाँ थोड़ी ना खड़े होते। और क्या मुद्दे हैं आप पे इस बार, किस मुद्दे को लेकर आप इलेक्शन में वोट देने जा रहे हैं? मुद्दे क्या बताया भैया, बस सपा की लहर है, लहर में सब वोट देंगे। क्या सपा की लहर है? बिल्कुल सपा की लहर है। क्या नाम है भैया आपका? भैया मेरा नाम भी यही अरशद। अच्छा तो आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? क्या बताएं भाई, सरकार किसी की है? फायदा तो मिले, कोई फायदा ही नहीं मिल रहा भाई। सरकार दिलवाना चाहते हैं हम लोग को। नहीं, सरकार कहती है सरकार रोजगार दे रही है, तमाम वादे कर रही है, और रोजगार दे रही हो तो यहाँ चाय थोड़ी ना पी रहे हो, तो काम धंधा कर रहे हो तो पढ़े देख लिए। बताइए क्या होता है। अच्छा तो आइए और हम दिखाते हैं, कुछ युवा हमारे साथ और भी मौजूद हैं। बीजेपी की आएगी बॉस। बीजेपी की क्यों आएगी? क्योंकि वो कार भी अच्छे किए थे। जैसे कि क्या क्या कार किया था उन्होंने? अरे बहुत से कुछ कार किए थे। बतौर मुख्यमंत्री आपका सबसे प्रसिद्ध चेहरा कौन सा लग रहा है इस बार? तो प्रसिद्ध चेहरा अखिलेश जी का आ रहा है। अच्छा तो आप कह रहे हैं सरकार बीजेपी बनेगी चेहरा अखिलेश? हाँ बनेगी, क्योंकि व्यक्तिगत जो वोट होते हैं वो अपने ही होते हैं। अच्छा समझ रहे हैं। योगी जी ने जो वादे पूरे किए वो वादे पूरे हुए या वादे वादे ही रहे? ये तो वादे वादे रहेगी, तो आपको भी मालूम है। अच्छा और जैसे कि सरकार दावा करती है कोरोना काल से लेकर हमने बहुत राशन वितरण किया, इस तरह के तमाम योजनाएं की, क्या अब तक वो पहुंची थी? राशन है तो वो तो वितरण करेंगे, नहीं राशन हो तो ना वितरण करते। गवर्नमेंट के पास तो स्टॉक बहुत है, अब वो वितरण नहीं करेंगे, गरीबों को नहीं देंगे तो फिर क्या करेंगे? वो मछलियों को खिलाएंगे, फिर समुद्र में डालेंगे। तो इसलिए जनता के बीच में अगर बांट रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, सराहने काम है। बात समझ रहे हैं? FCI गोदाम में देख लीजिए बहुत सा अनाज पड़ा हुआ है, अगर हमारे गरीब जनता को वहाँ तक पहुँच रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है सरकार का। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार बड़े दावे करती है कि हमने वैक्सीनेशन करवाया, तो आपको क्या कोरोना काल में कुछ लगता है कि सरकार में कुछ कमियाँ रह गई या फिर वैक्सीनेशन को लेकर कोई दिक्कत? वैक्सीनेशन तो जो गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल लागू किया वो तो सब लगवाया है, और गरीबों को भी लगे हैं, सबको लगे हैं, कुछ पैसे पर भी लगे हैं। शुरुआती दौर पर मेरे ख्याल कुछ पैसे देकर भी लगवाए गए थे, जैसे 400-500 का डोज पड़ा था, और फिर बाद में ये एकदम फ्री हो गया था, तो ये तो अच्छी बात है। और क्या लग, गरीब तक नहीं पहुंच पाते थे वैक्सीनेशन, वो उनको तक पहुंच गए हैं। इस बार मुद्दे क्या लग रहे हैं कि किस मुद्दे पे सरकार बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी? आप कह रहे हैं बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, तो किस मुद्दे क्या है कि किस मुद्दे पे सरकार? मुद्दे तो यही है कि लाइन ऑर्डर पर बहुत अंकुश लगाया है। लाइन ऑर्डर पर जैसे कि दंगा फसाद होता था, सरकारी संपत्तियों का नुकसान होता था, उस पर जो अंकुश लगा है वो बहुत अच्छी बात है। सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं करना चाहिए, ठीक है आप विरोध करिए, विरोध करने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सरकारी संपत्ति हमारी आपकी दी हुई है, उसमें आपका भी पैसा जाता है, इनका भी पैसा जाता है, हमारा भी पैसा जाता है, ठीक बात है। तो उसको अगर नुकसान पहुँचा रहे हो तो हमारा ही तो नुकसान होगा। बिल्कुल सही बात है। हम जबरदस्ती खोदेंगे तो उस पर पैसा किसका जाएगा, हमारे ही आपका तो जाएगा, यही चीज अब चीजें हैं बस। तो कुल मिलाकर आपको ये लॉ एंड ऑर्डर पर आपका मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, तो इस मुद्दे पर आप वोट? बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कुछ कमियां लगती है सरकार से, आप सरकार से या कुछ मांग करना चाहते हैं कि जो सरकार जनता के करनी चाहिए, जनता का भला कुछ यही करना चाहते हैं कि जो बेरोजगार लड़के परीक्षा देते हैं, परीक्षा देने आते हैं, एनी टाइम उनको पोस्टपोन कर दिया जाता है, ये बहुत चीज। तो कुल मिलाकर आपका कहना यह है जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष होती है उसी प्रकार से हमारा जो विद्यार्थियों का सिलेक्शन होता है, परीक्षाएं होती हैं, सरकारी भर्तियां होती हैं, वो भी निष्पक्ष प्रभाव से होनी चाहिए और बिना निरस्त हुए होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते और वापस आते हैं, जब एग्ज़ाम देने आते तो पता चलता है कि पर्चा लीक हो गया है, तो ये सब प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए उन बच्चों को। आइए हम कुछ और अंकल लोग हमारे साथ खड़े हैं। अंकल आपको क्या लगता है किसकी सरकार आ रही है इस बार? बीजेपी की। क्यों बीजेपी की सरकार आ रही है? जिसने अच्छा काम किया वही आएगा। क्या अच्छा काम बीजेपी ने कर दिया जो आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी की सरकार आएगी?
वैक्सीनेशन करवाया, इतना लोगों को फ्री खाना दिया गया, अब किसानों को भी इतना आ रहा है। वैक्सीनेशन तो सरकार की प्राथमिकता होती है, हर सरकार वैक्सीनेशन, हर राज्यों में सरकार वैक्सीनेशन करवा रही है, तो ऐसा क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सरकार कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसको आप लेकर आप वोट देने जा रहे हैं बीजेपी को? भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है ये, और ये काम करती है, जितने वादे इन्होंने किए हैं, चाहे माननीय मोदी जी ने 370 का हटाने की बात की थी, वो भी हमारे सैनिकों के लिए काम किया, वो भी बहुत अच्छा करा इन्होंने। तो कहीं ना कहीं मतलब आप इसमें कुछ मोदी जी का भी चेहरा देख रहे हैं, इसमें इस चुनाव में मोदी जी के भी मतलब नाम पे आप जो है वोट करने जा रहे हैं? योगी मोदी का चेहरा चमकेगा, और इस बार सरकार बीजेपी की आ रही है ऐसा हम लोग को लग रहा है, पर अखिलेश जी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। अच्छा, आप और प्रियंका गांधी ने भी एक कैंपेन चलाया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वो महिलाओं को लेकर काफ़ी वो हैं, तो प्रियंका गांधी लड़ाई में नहीं दिख रही आपको? जो पोस्टर गलती स्लोगन की, वो खुद ही पार्टी छोड़कर चली गई, उनकी बीजेपी में आ गई, उनको खुद बीजेपी सेफ लगती है। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार में कहीं ना कहीं लड़कियाँ असुरक्षित थी, बीजेपी के शासनकाल में क्या ऐसा आपको लग रहा है कि लड़कियाँ सुरक्षित हैं या फिर लोग सुरक्षित हैं? आप ये देख लीजिए, समय अभी समय नोट कर लीजिए, ये चहल पहल से बता रही है कि यहाँ पे सब कुछ सामान्य है, और बहू बेटी बहन भाई हमारी सब लोग निकल सकती सड़कों पे, कोई किसी का कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं। और अभी आप थाने में चले जाएंगे, सब कुछ आपको सारी कंप्लेंट नोट होगी, सब कुछ होगा, व्यापारी भी खुश है और सरकारी कर्मचारी भी खुश है और आम जनमानस भी खुश है सरकार से। तो इनका कहना है कि आम जनमानस इस सरकार से खुश है, तो क्या कुछ आपके मुद्दे हैं, क्या मतलब जब आप वोट करने जा रहे हैं तो क्या आपके मुद्दे हैं कि किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे जो सरकार फिर बनवाएंगे? जैसे मैंने पहले कहा, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है ये, आज तक कोई भी भ्रष्टाचार का इस पर आरोप नहीं लग पाया है, और इसने काम किया है, ज़मीन पर आके काम किया, हवा हवाई बातें नहीं करी है, हर चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए, हर महकमे के लिए, चाहे वो गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, सबके लिए काम कर रहा है और सबका साथ सबका विकास लेके चली सरकार। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ और युवा मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे इस बार किसकी सरकार आ रही है। समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी की, आपको ऐसा क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी मुद्दे अच्छे हैं? मुद्दे जैसे कि फ्री मिलेगी भैया, ये अच्छा, जो मैनिफेस्टो मतलब उन्होंने जारी किया है उस मुद्दे पे मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिलने से आप बिल्कुल बिल्कुल क्या लगता है आपको इस बार किसकी सरकार? योगी जी की सरकार फिर बैठेगी इस बार। योगी जी सरकार आ रही है फिर, क्या कारण है जो योगी सरकार आएगी? क्योंकि उन्होंने काम ऐसा करा है उन्होंने, काम कुछ अच्छा भी करा है, कुछ बुरा भी करा है। अच्छा क्या करा है, बुरा क्या करा है? अच्छा ये करा है, जैसे अच्छा ये करा है, जो भ्रष्टाचार है वो कम करा है उन्होंने, और प्लस ये कि जो जैसे नोटबंदी उन्होंने करी है, नोटबंदी योगी जी ने नहीं, मोदी जी ने किया था। अच्छा अच्छा, नहीं तो अभी तो आप जो वोट देने जा रहे हैं वो तो राज्य सरकार को देने जा रहे हैं, ना कि केंद्र सरकार। हमारे देखिए, वोट देने से क्या वो हार जाएंगे? नहीं, एक एक वोट बहुमूल्य होता है, बहुमूल्य होता है, वो हमें पता है, हम वोट नहीं देंगे तो वो तब भी जीतेंगे। अच्छा, तब भी आप वोट नहीं देंगे तब भी वो जीतेंगे? अच्छा, तो इनका कहना है कि अगर हम वोट नहीं भी देंगे तब भी योगी जी की सरकार बन जाएगी? तब भी बन जाएगी उनकी सरकार। और भी कुछ हमारे साथ युवा मौजूद हैं, बोलना चाहेंगे कुछ तो आप भी बता दीजिए भैया, किसकी सरकार आ रही है? भाई हमारे ख्याल से तो योगी की सरकार आएगी हमारे ख्याल से। अच्छा, नौकरी तो दे नहीं दे भाई, हम लोग इतने फॉर्म भर रहे लेकिन नौकरी वोकरी कुछ मिल नहीं रही है। अच्छा, तो इस बार आप वोट देने जाएंगे तो भाई वोट देने के बाद पहले वोटर आईडी तो बनवा लें, पहले वोटर आईडी बनवाएंगे लेकिन सब वोट देंगे भाई। किस अखिलेश लेकिन लग रहा आएगा योगी। इस तरह के हम अपने चुनावी यात्रा में आपको तमाम बड़े शहरों में आपकी खबर दिखाते रहेंगे और जानेंगे वहाँ से जनता के बीच सीधा सरोकार, क्या जनता है, क्या किस तरफ जा रहा है जनता का मतदान और किसकी बनेगी सरकार। तो अब देखते रहिए हमारा शो वन मिनट पर। धन्यवाद।